नेक्स्ट, ये देखो ये सॉलिड सिलेंडर है जिसके पास कुछ मास है, रेडियस है, रोल करता है विदाउट स्लिपिंग डाउन इनक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल, हाइट एच. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर एट बॉटम. अब देखो एक सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान देना सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हम लोग के पास एक सॉलिड सिलेंडर है और ये रोलिंग मोशन कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, दैट इज द रोलिंग मोशन, ठीक है, और ये थीटा डिग्री है, ए एल है, ए एच है. तो जब वो यहाँ पर आएगा, जब बॉटम पे आएगा, तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी यार, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो कन्वर्ट हुई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगी. सॉलिड सिलेंडर मास एम रेड रोल विदाउट स्लिपिंग ऑफ हाइट एच, तो स्पीड. अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक बच्चा है जो फार्मूला याद करके गया नीट के एग्जाम में, ठीक है, और एक बच्चा इसको डिराइव करेगा, तो विनर कौन होगा. एक बच्चा इसी क्वेश्चन को एक मिनट में करता है और एक बच्चा इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में करता है, ठीक है, तो जीतेगा कौन यार, 10 सेकंड वाला जीतेगा, टाइम ही तो बचाना है. तो जो याद करके गया है, जो याद करके गया है वो जल्दी कर देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है बॉटम पे, वो होता है 2gh 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर अंडर रूट. ये अगर ये जो याद करके गया फार्मूला वो जल्दी करेगा, देखो के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो के स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉलिड सिलेंडर था ना, तो सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, मतलब एम आर स्क्वायर बाई टू, दैट इज द एम के स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर और आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 किसके लिए भाई, सॉलिड सिलेंडर के लिए. तो 1/2 अगर सॉलिड सिलेंडर की आ गई तो 2gh और 1 + 1/2 अंडर रूट, ठीक है, तो फाइनली जो आ जाएगा दैट इज 4gh अपॉन 3 अंडर रूट. दिस इज द स्पीड एट बॉटम, 4gh 3 अंडर रूट, दैट इज द स्पीड एट बॉटम, 4gh, ठीक है, 3 अंडर रूट, ये स्पीड है बॉटम पे, ठीक है. अब जो जिसको ये फार्मूला याद नहीं है वो क्या करेगा, वो एनर्जी कंजर्व कराएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट से चला था, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, और जब बॉटम पे यहाँ पर आएगा तो उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², ठीक है, और प्लस रोटेशनल एनर्जी होगी 1/2 i² ठीक है. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, भी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना, ओमेगा रखना, सॉल्व करना, तब जाके ये आ जाएगा, ठीक है, और जो याद करके गया वो जल्दी कर लेगा, है ना. चलो.